गृह मंत्री डॉक्टर अरुतम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर कहा, कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों से चर्चा की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। खंडवा मामले को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि खंडवा जिले में थाने के अंदर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। उसे साइकिल चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था और उसके भाई ने कहा था कि सांस की तकलीफ थी, फिर भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। पदोन्नति को लेकर बनी समिति पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सभी पक्षों के साथ बैठक कर जल्द ही हल निकाला जाएगा। इस बैठक में कमलनाथ के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ बुजुर्ग ट्विटर वीर हैं। धाने पर स्वच्छता अभियान को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर थानों में स्वच्छता और मरमंता का कार्य किया जाएगा। यह अभियान पूरे प्रदेश के थाने में चलेगा। धार में पुजारी की हत्या के मामले पर कहा, धार के ज्ञानपुर में हुए हमले में 2-3 लोग सस्पेक्ट हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 18 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। 140 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। संक्रमण दर 0.01% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल कोरोना के जो सैंपल मध्य प्रदेश में लिए, 63,422 सैंपल पूरे के पूरे प्रदेश में लिए गए। थाने के अंदर हवालात में नहीं, एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। किशन मानकर ओबीसी समुदाय से आते हैं, ये मोटरसाइकिल चोरियों के आरोप में अपने भाइयों के साथ में बंद थे, कमरे में थे। 4-5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, हो चुकी है, मतलब पिछले 2-3 दिन में। अपने भाई के साथ थे, जो भाई का कथन है कि उनको कोई सांस की दिक्कत आई थी। इसके बावजूद भी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मैंने टीआई जो वहां थे गणपत जी, उनको सस्पेंड करने का, जो मायाराम जी प्रभारी थे वरिष्ठ एएसआई उनको निलंबित करने का, 2 कांस्टेबल को निलंबित करने का बोल दिया है। ये सभी निलंबित किए जाएंगे। ये खरगोन जिले के बेड़िया गांव के रहने वाले थे, तो भाई से विवाद में कुछ कमरे में हुआ है, जैसा भाई ने रिकॉर्ड भाई के बयान हुए हैं कि उसको सांस की दिक्कत कोई आई थी, स्किन डिसीज भी थी कुछ। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वो लोग आराम से कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं, जनता के बीच जाते नहीं, जन दर्शन करते नहीं। अब उनके ट्वीटों का कहां तक जवाब देंगे? खुद ने कुछ किया नहीं और हम कुछ करें तो फिर सहरा बांधने के लिए आ जाते हैं कि हमने किया था। हमें भी तो 15 महीने हुए, आपको भी 15 महीने हुए थे। हम जब 15 महीने में कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं किया था? अब मैं उनको क्या बुजुर्ग ट्विटर वीर कह देता हूं? क्या है इसके अलावा? मतलब हम काम कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं तो सेहरा बांधते हैं खुद, हमको घोषणा वीर कह रहे हैं, खुद ट्विटर वीर है। हमने तय किया है कि सभी थानों के अंदर वृक्षारोपण का अभियान, उस थाने के प्रत्येक स्टाफ के नाम से वृक्ष लगेगा और पालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। थाने की पूरी तरह से जन्मदिन के दिन से जो सप्ताह मनेगा 17 से 7 का, उसमें साफ सफाई होना, बाकी की चीजों में मरम्मत होना, सुविधा होना, और जैसा माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया उसको अंगीकार और स्वीकार करते हुए पूरे थानों के